सार नक्षत्र क्या है? थोड़ा टेढ़ा प्रश्न है। पूछे राशि क्या है तो कोई भी बता देगा, आम बोलचाल का शब्द है, वैसा ही उत्तर दे देगा। ऐसे ही अंकशास्त्र या और भी अन्य शास्त्र, पर आत्मविश्वास का शास्त्र भीतर से जन्म लेता है, जो नक्षत्र सार से निकलता है। हर एक के भीतर स्वयं का सोच जब विकसित हो जाता है तो आत्मविश्वास भी आ जाता है, और तब मनुष्य इधर उधर की नहीं सुनकर अपनी आवाज सुनता है। ऐसे में किसी का क्या सहायक होता है और किसी को क्या? कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, दान दक्षिणा आदि। ये साधन भी अपनी आवाज सुनने में सहायक होते हैं, और ठीक है, जिसको जहां अच्छा लगे जाना चाहिए, करना चाहिए, पर अंधविश्वास से बचना चाहिए, चाहे जिस प्रकार भी बने। आत्मविश्वास और अंधविश्वास दोनों ही विश्वास हैं, पर एक दृष्टि है और दूजा दृष्टिहीन। हम अपनी दृष्टि से सार नक्षत्र को समझें, इसको व्यक्ति की जन्म पत्रिका से समझा जाता है। जन्म पत्रिका के 12 घर 12 राशियों के स्थान हैं, जिनके स्वामी सूर्य चंद्र ग्रह आदि हैं। ये ग्रह नक्षत्रों में घूमते हैं, नक्षत्र आकाश में ग्रहों के मकान हैं। ग्रहानुसार नक्षत्र स्वभाव भी परिवर्तित कर लेते हैं, जो कि स्वाभाविक है। गृह स्वामी का प्रभाव नक्षत्र पर जाता ही है। सफेद रंग के आगे काला रंग आ जाए तो क्या सफेद रहेगा? इसी प्रकार नीले रंग के आगे पीला रंग आ जाए तो यह रंग परिवर्तन स्वभाव परिवर्तन हो गया स्वतः। जो रंग वास्तव में था उसके आगे दूसरा रंग आ जाने से कोई तीसरा रंग ही बन गया। ग्रह शनि है पर गुरु के नक्षत्र में है तो शनि का स्वभाव छूट गया, गुरु का रंग चढ़ गया। दोनों रंग मिले तो हरा रंग, जो बुध ग्रह का प्रतिनिधि है, सा हो गया। विभिन्न रंग भी अलग अलग प्राकृत रंगों से मिलकर बनते हैं। पत्रिका की राशि में लग्न होता है, जो कि पहला घर है। बाकी सारे घर इस जन्म लग्न के हिस्से हैं। जन्म लग्न की कोई राशि होती है जिसके नक्षत्र में लग्न स्थित होता है। चूंकि नक्षत्र पर किसी ग्रह का स्वामित्व है तो वह जन्म लग्न वास्तव में वह है, पर लग्न नक्षत्र पर जिस ग्रह का स्वामित्व है वह भी किसी अन्य नक्षत्र में है और उसका भी कोई अन्य स्वामी है। लग्न एक है पर उसकी वास्तविकता, उसका स्वभाव कैसा है को जानने के लिए लग्न के भीतर की परत दर परत नक्षत्र ग्रह नक्षत्र से गुजरते हुए ही निकलेगी, और तब जो सार निकल कर आएगा वह नक्षत्र सार होगा। और इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह रत्न लग्न को बलवान करेगा, आत्मविश्वास जगाएगा और लकी स्टोन बन जाएगा, क्योंकि यह वह इत्र है जो पूरी जन्म पत्रिका के घर रूपी फूलों से सत्वतः निकल कर आया है आपके पास, आपका लकी स्टोन। इसकी पूजा अर्चना कर मांगिए, न्यायोचित अवश्य देगा। न्यायोचित इसलिए कि भाग्य को बदला तो नहीं जा सकता, फिर भी जो मिला है उसमें सुख सुकून पाया जा सकता है इस मार्ग से।